खूबसूरत दिखने की चाहत तो हम सभी की होती है। उम्र चाहे कोई सी भी हो, हम चाहते हैं लंबे समय तक हम जवां बने रहें। चेहरे पर झाइयां, झुर्रियां, मेलाज़मा, ये कोई परेशानी ना हो, चाहे कम उम्र हो चाहे ज़्यादा उम्र की महिलाएं हों। हाथ पैरों को खूबसूरत बनाने की, चेहरे के दाग धब्बों को हटाने की, मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी के होने को बंद करने की, यदि कोई ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जिसके पहले बार के इस्तेमाल से ही चेहरा हो जाए चांद के जैसा खूबसूरत, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप इस रेमेडी के लिए ले सकते हैं, आप चाहें तो एक लाल पका हुआ टमाटर ले सकते हैं, नहीं है टमाटर तो आलू तो होगा ना, आलू का रस निकाल लीजिए, आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू और टमाटर दोनों ही एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। आलू का स्टार्च हमारी त्वचा को टाइट करता है। टमाटर में जो विटामिन सी होता है वो नेचुरल तरीके से हमारी त्वचा को ब्लीच करता है बिना किसी केमिकल के। चाहे तो दोनों को मिक्स करके ले लीजिए, या कभी टमाटर नहीं है तो केवल आलू का इस्तेमाल कर लीजिए। आलू हमारी स्किन को टाइट करने के साथ ही साथ हमारी त्वचा को ब्लीच करता है, हमारी त्वचा के जिद्दी कालेपन को तेज़ी से हटाने का काम करता है पोटैटो जूस। आलू को छिलका उतार दीजिए, क्योंकि आजकल आलू के छिलके में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती, खाद होती है ना दोस्तों, छिलका उतार के ही इस्तेमाल करें। इसके बाद ग्रेटर की मदद से पूरे आलू को एक साथ कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहें तो आलू का रस, अगर क्योंकि आलू बड़ा है थोड़ा, एक बार में चेहरे पे ख़त्म नहीं होगा, तो जो आलू का रस बचे उसे फ्रीज में रख दीजिए ताकि कल आपको फिर से काम आ जाए। आप करके तो देखिए, आलू का स्टार्च त्वचा पर कसाव लेकर आएगा, जल्दी आपकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आलू का रस हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, हमारी त्वचा को यूथफुल बनाता है। तो इस तरह से मैंने पूरे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे एक छन्नी में डालकर या ऐसे ही हाथों से भी निचोड़कर इसका रस निकाल लीजिए, पोटैटो जूस जो होता है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, एक बेस्ट क्लींजर के जैसा काम करता है, हमारी त्वचा पर कसाव लाता है, हमारी स्किन को ब्लीच करता है, हमारी स्किन को पोषण देता है। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए भी। केमिकल की चीज़ों से बचकर रहिए। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसके द्वारा लंबे समय तक हम अपनी खूबसूरती को बनाकर रख सकते हैं। आलू का रस आपने देखा होगा, जैसे ही हम आलू को काटने के बाद छोड़ देते हैं, आलू का रस काला पड़ने सा लगता है, या आलू का टुकड़ा भी काला पड़ने लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसलिए ये काला पड़ता है। आप चाहते हैं आलू का रस लंबे समय तक काला ना पड़े, तो आप इसमें कुछ भी विटामिन सी डाल दीजिए, जैसे कि नींबू का रस, कुछ बूंदे, 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस की डालेंगे ना, तो आपका आलू का रस जल्दी काला नहीं पड़ेगा। इस आलू के रस को फ्रीज में रखिए। देखिए, मैं भी आपको लेमन डाल के दिखा रही हूँ। लेमन मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो लेमन का जो पल्प है वो इसमें आ गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे ही मिक्स कर लूँगी, अभी लेमन ऐसे ही आ रहे हैं मार्केट में। अब आप देखिए, आलू का रस मेरा ये काला नहीं पड़ेगा, तो जितनी अभी ज़रूरत है उतना मैं आलू का रस का इस्तेमाल करूँगी। और जो आलू का रस निचोड़ने के बाद जो क्रश किया हुआ जो आलू दिख रहा है, रेशे जो आलू के दिख रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला है शक्कर। शक्कर के दाने भी एक स्क्रब का काम करते हैं, हमारी त्वचा में से सारे डेड सेल को रिमूव करेगा। आलू के ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, क्रिस्टल दिख रहे हैं ये, और शक्कर के दाने, जब डेड सेल हमारे हाथ पैरों चेहरे से रिमूव होती हैं तो हमारी त्वचा पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, निखार आता है, सारी डेड स्किन रिमूव होंगी। शक्कर मैंने डाला ही इसीलिए, शुगर एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये हो गया हमारा स्क्रब, जिसने हमारी त्वचा में छुपी हुई मैल, गंदगी, हमारी त्वचा की मृत कोशिकाओं को अलग कर दिया है स्क्रब। अब एक ऐसा पैक बनाएंगे जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करेगा। लोग पूछेंगे, अरे चेहरे पर ऐसा क्या लगाया है जो आपकी स्किन इतनी चमक रही है? 2 बड़े चम्मच आलू के रस में 1 बड़ा चम्मच भरकर आपको डालना है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है कॉफ़ी का पैक।
कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है दोस्तों, ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। कॉफ़ी जो होती है दोस्तों, ये हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो कॉफ़ी आलू के रस को मिलाइए, आप चाहें तो इसमें एक चुटकी आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी रंग को साफ करती है दोस्तों। इसके अलावा अब आप आलू का रस, कॉफ़ी को मिलाकर हल्दी डालिए, साथ में मिला दीजिए आप एक चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह यहाँ पर बेसन भी मिला सकते हैं। तो गेहूं का आटा मैंने मिलाया है दोस्तों, और आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ मिलाना है आपको, ताकि आपकी स्किन जो है वो स्किन टाइट बनी रहे, सारे दाग धब्बे दूर होंगे। तो मैंने यहाँ पर इस पैक को तैयार कर लिया है, और आलू का रस जो मेरा कटोरी में बच गया है ना, इस रस को अब मैं हटा देती हूँ, फ्रीज में रख देती हूँ, ताकि अगले दिन मैं इसे बेसन के साथ इस्तेमाल करूँ। आज मैंने गेहूं के आटे के साथ इस्तेमाल किया है, अब अगली बार बेसन के साथ इस्तेमाल करिए। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों, ये चीज़ें हमारे स्किन को लंबे समय तक जमा बनाकर रखती हैं। तो पैक बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसमें है आलू का रस, कॉफ़ी, गेहूं का आटा, और एक चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाली है। आलू के रस में नींबू का रस भी मिला है, कुछ बूंदे। लेमन जूस जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है। नींबू का रस नेचुरल तरीके से स्किन को ब्लीच करेगा, साथ ही साथ लेमन जूस जो होता है हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसलिए मैंने कॉफ़ी को इसमें डाला है। मुहासों या फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है कॉफ़ी, और रंग को गोरा भी करती है। सभी उम्र वाले इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है तब भी आप इस पैक का इस्तेमाल करें, आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी आप इस पैक का इस्तेमाल करें। तो कम उम्र वाले और ज़्यादा उम्र वाले सभी लोग इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को चेहरे पर लगाना है। कम से कम आप इस पैक को 12 से 15 मिनट लगा कर रखें। जब हल्का सा इस पैक में नमी रहे, हल्की सा मॉइस्चर रहे, तब आप इसे गीले हाथों से थोड़ा सा रगड़ते हुए, मसाज करते हुए निकालें, ताकि आपके चेहरे पर जो बारीक बारीक रोए हैं, जो बारीक बारीक से बाल है, जिसे हम लोग फेशियल हेयर कहते हैं, वो भी रिमूव हो सके। तो इस तरह से पूरे चेहरे पर लगाइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। एक ऐसा जादुई पैक है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, रंग को साफ करेगा, मुहासों की समस्या को दूर करेगा। साथ ही प्यारे दोस्तों, एक कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में नाम लिखे, शहर का नाम लिखे, वीडियो